बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर एसएसटी टीचर। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेसन नंबर 2, सन एंड डायरेक्शन। पेज नंबर इज़ 5, सो टेक आउट पेज नंबर 5। हरी अप, टेक आउट पेज नंबर 5। ओके, आवर टॉपिक इज़ सन एंड डायरेक्शंस। टुडे वी स्टडी अबाउट सन एंड डायरेक्शंस। डू यू नो व्हाट इज़ डायरेक्शंस? डायरेक्शन इज़ सेम द वे, ओके, द रूट। द रूट इज़ कॉल्ड डायरेक्शंस। सो सलमान वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सलमान ने क्या किया कि वो उठा सुबह सवेरे। ही लाइक्स द सनराइज एंड ऑब्जर्व्स इट डेली। ठीक है, उसने क्या किया कि वो जब उठा यानी सुबह के वक्त, उसने क्या देखा कि उसने सनराइज़ देखा। सन, डू यू नो सनराइज़ यानी सूरज का निकलना। उसने इसको देखा और वो डेली उसको ऑब्ज़र्व करता रहा, यानी डेली उसको नोट करता रहा। वन डे ही थॉट दैट द सन ऑलवेज राइजेस इन द वन डायरेक्शन एंड सेट्स इन अनदर। ठीक है, एक दिन उसने ये सोचा कि सन जो है वो हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में निकलता है और एक ही डायरेक्शन में जो है तो वो सेट्स हो जाता है। ठीक है, यानी सूरज जो है, सूरज जो है वो एक ही डायरेक्शन में निकलता है, यानी मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। इसकी एक ही डायरेक्शन है। ही वेंट टू हिज मदर एंड आस्क हर अबाउट इट। ठीक है, वो गया और उसने अपनी मम्मा से पूछा। शी आंसर्ड इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसने आंसर किया, यानी उसकी सलमान की जो मदर थी उन्होंने आंसर किया कि सूरज जो है वो ईस्ट यानी मशरिक से निकलता है और ग़ुरूब कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है, यानी मगरिब में होता है। सन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट विच डायरेक्शन वी आर मूविंग इन। ठीक है, यानी सन के ज़रिए हमें क्या मदद मिलती है? हमें ये पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं, मगरिब की तरफ जा रहे हैं, शुमाल या जुनूब की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? नाउ द नेक्स्ट इज़ लर्न द कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, हमने क्या करना है? अब हमने किस बारे में पढ़ना है? कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्शंस हैं ना 4 किस्म की, वो बुनियादी हमारे पास डायरेक्शंस है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। हमारे पास 4 डायरेक्शंस है। कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ये 4 डायरेक्शंस हमारे पास है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है और कहाँ पे ग़ुरूब होता है। यानी सूरज जो है वो निकलता कहाँ से है? ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके वो ग़ुरूब हो जाता है। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, यही बुनियादी सिमतें हैं, यानी कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल्स मीन बुनियादी एंड डायरेक्शंस मीन सिमतें। ठीक है, दीज ऑल आर अबाउट सन एंड डायरेक्शंस। टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। In the morning, stretch your right arm towards the sun so that your right hand points towards the east. ठीक है, आप जब morning में अपना hand जो है वो stretch out करेंगे किसकी तरफ? Sun की तरफ। So that your right hand, हमारा जो right hand होगा, ठीक है, वो east की तरफ आएगा। ठीक है, मशरिक की तरफ आएगा। Look at this picture, जैसे इस picture में दिखाया गया है। ठीक है, Now point your left hand towards the west. You are facing north and your back is towards the south. ठीक है, अगर आप अपना हैंड जो है, लेफ़्ट हैंड जो है वो वेस्ट की तरफ यानी मगरिब की तरफ रखेंगे तो क्या होगा कि आपका फेस जो है वो किस चीज़ की तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। एंड योर बैक यानी हमारी कमर जो होगी वो किस तरफ होगी? साउथ की तरफ होगी। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट सन एंड डायरेक्शंस। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद बाकी का जो है वो हम इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप निशान लगा लें, रीडिंग यहाँ तक ही थी। अब आपको समझ आई है? जिसको जो जो समझ नहीं आया, जिस जिस वर्ड की समझ नहीं आई, काइंडली हैंड रेस करें और मुझसे पूछें।
Yes, Uzair. Uzair, can you hear me? Uzair. Okay. Zainab Hanif. Yes, Zainab Hanif. Zainab. Walaikum assalam. Kaise ho beta? Excellent, good. चले थैंक यू बेटा. ओके नेक्स्ट वन उमर फारूक. उमर फारूक काइंडली अनम्यूट योर माइक. उमर फारूक. यस मैम. बच्चे जिस जिधर रुमाइसा ने छोड़ा है वहाँ से आगे से स्टार्ट करें. शाबाश. रीडिंग करें. ही वेंट टू हिज मदर एंड आस्क्ड हर अबाउट इट. शी आंसर विद इट राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. द सन हेल्प अस टू फाइंड आउट विच direction we are moving in. Excellent. Learn good. Okay beta, now our class time is over. See you, take care, bye.